हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ पिछले लास्ट वीडियो से, इंटीग्रेशन में पूरा कवर कर रहा हूँ, तो ये वीडियो में भी मैं इंटीग्रेशन कंटिन्यू करूँगा। तभी देखो, इसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन व्हेन बाय अप्लाइंग यू इन टू वी रूल। देखो, जैसे हम लोग डेरिवेटिव में जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहता था, व्हेन द टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड वी यूज़ द यू इन टू वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, या उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एग्जैक्टली सेम वे अगर इंटीग्रेशन में भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे भी यू इन टू वी रूल लगेगा, बट दैट मेथड इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। अभी x इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन रूल से आएगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो सपोज u एंड v आर द टू फंक्शंस ऑफ x। सपोज u एंड v हम लोग ने दो फंक्शन ले लिया x का, सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx इक्वल टू, पहले u आएगा फिर इंटीग्रेशन v dx आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u आता है इंटू इंटीग्रेशन आता है v dx एंड होल dx। तो ये फॉर्मूला है, u क्या है, x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन u इंटू v निकालना है ना, तो u आएगा इंटीग्रेशन v आएगा dx, माइनस अगेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u अगेन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स एंड द होल डी एक्स। तो ये जो डी एक्स है ये वाले इंटीग्रेशन के लिए है, और ये जो मैंने ब्रैकेट के बाहर डी एक्स लिखा हुआ है ना, वो ये इंटीग्रेशन के लिए है। बट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, यू क्या लेंगे और वी कौन सा फंक्शन लेंगे वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। देखो, डेरिवेटिव्स में जो फर्स्ट पार्ट लिखा है उसको यू ले लिया, जो सेकंड पार्ट फंक्शन उसको वी ले लिया, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। इसमें इंटीग्रेशन में आपको यू क्या रहेगा और वी क्या रहेगा वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। तो यू और वी डिसाइड करने के लिए यहाँ पे एक रूल है, उसको बोलते हैं हम लोग लिएट, एल आई ए टी ए, लिएट रूल। अब लिएट रूल में देखो क्या होता है, एल जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और A का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब इसमें लॉग रहेगा, लॉग x, लॉग 1 प्लस x, लॉग x स्क्वायर, लॉग 1 प्लस x स्क्वायर, लाइक दैट, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया आपका। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या रहेगा, I इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रहेगा साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, ये सब रहेगा उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शन में क्या रहेगा आपका, x का फंक्शन रहेगा, जैसे x प्लस टू है, या x स्क्वायर प्लस थ्री है, या x स्क्वायर माइनस थ्री x प्लस फोर है, लाइक दैट है, मतलब x का फंक्शन रहेगा उसमें। और यहाँ पे दिया टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले में आपको साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी लाइक दैट ऐसे रहेगा। और जो लास्ट पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, दो टाइप का रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक तो रहेगा ई रेज टू एक्स के टाइप का रहेगा और दूसरा ए रेज टू एक्स के टाइप का रहेगा। तो ये दो टाइप आता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो ये टाइप के सम में ना क्या करना है अपने को, ये ऑर्डर में लिएट के ऑर्डर में जो फंक्शन पहले आएगा उसको यू लेना है और जो फंक्शन बाद में आएगा उसको वी लेना है। नहीं समझा आपको, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। लिएट का जो टर्म है ना, इसमें जो फर्स्ट फंक्शन आएगा, मतलब ये ऑर्डर में जो फर्स्ट फंक्शन आएगा उसको यू लेना है और जो सेकंड आएगा उसको वी लेना है। फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। तो अभी एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और लॉग एक्स जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो देखो, लिएट के ऑर्डर में लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो जो पहले आएगा ऑर्डर में उसको यू लेना है। तो ये आपका यू रहेगा और ये वी रहेगा, दिस। ठीक है, चलो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है सपोज। तो अभी ई रेज टू एक्स क्या है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e रेज टू x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और x स्क्वायर जो है ना, x स्क्वायर जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब ये a हो गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। पार्ट्स में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू लॉग x। अब देखो, इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा,
बिकॉज एक्स क्यूब एक्स का फंक्शन है, लॉग एक्स भी एक्स का फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये मेथड यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें से यू क्या आएगा और वी क्या आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको रूल बताया था, रूल है एल आई ए टी ई, लिएट का रूल है। अब एक्स रेस टू थ्री क्या है आपका, एक्स रेस टू थ्री अल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये अल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। लॉग एक्स इज लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये एल हो गया। तो अभी देखो लिएट के ऑर्डर में ना ए और एल में से पहले एल आता है, तो ये ऑर्डर में पहले एल आता है, तो ये एल क्या रहेगा आपका, यू रहेगा और ये जो है वी रहेगा दिस से। तो स्टार्ट करते हैं लोग इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले यू लिखते हैं हम लोग यहाँ पे लॉग एक्स इंटू, वी लिखते हैं हम लोग एक्स रेस टू थ्री इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। सो दिस इज योर यू एंड दिस इज वी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला मालूम है अपने को, पहले u लिखना है दैट इज log x लिखना है u, इंटीग्रेशन v लिखना है तो x रेस टू 3 dx लिखना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ u होता है, दैट मीन्स log x हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v x रेस टू 3 dx हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे होल dx हो जाएगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया u इंटू v का, पहले मैंने u लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ v लिखा dx, माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u लिखा इंटू इंटीग्रेशन v लिखा dx एंड द होल dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा log x इंटू, अब ये x रेस टू 3 है तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 3, x रेस टू 3 का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू 4 अपॉन 4 दिस वे, माइनस ये इंटीग्रेशन लास्ट में इवैल्यूएट होगा। पहले ये इंटीग्रेशन निकालेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे और ये लास्ट में इंटीग्रेट होगा, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो मालूम है अपने को d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन x इंटू, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 3, तो x रेस टू 3 का इंटीग्रेशन आएगा x रेस टू 4 अपॉन 4 और ये dx एक्स एज इट इज रहेगा दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग x इंटू x रेस टू 4 माइनस ये x और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x रेस टू 3 बचेगा, अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x रेस टू 3 इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू लॉग x इंटू x रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा 1/4 इंटू x रेस टू 3 का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू 4 अपॉन 4 और ये प्लस c हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट आई इक्वल टू log x इंटू x रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 है माइनस ये हो जाएगा x रेस टू 4, 4 4 का 16 प्लस c, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये सम सॉल्व हो गया इंटू डी एक्स, ठीक है। तब ये देखो x स्क्वायर जो है वो अल्जेब्रिक फंक्शन है, मालूम है अपने को, cos x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और अपने पास रूल क्या है l i a t e, लिएट का रूल है। तो लिएट के रूल में ना देखो पहले a आएगा बाद में t आता है, ऑर्डर चेक करना है अपने को। तो लिएट जो लिखा है उसके ऑर्डर में पहले a आता है बाद में t आता है, तो जो पहले आएगा वो u रहेगा और जो बाद में आएगा वो आपका v रहता है। तो दिस x square इज u एंड cos x जो है आपका वो v हो गया। अब इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले से, ये हो जाएगा आई इक्वल टू पहले u लेते हैं हम लोग, तो x square हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v आता है, cos x इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस अगेन इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u आता है, दैट मीन्स x स्क्वायर हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब cos x dx हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया इंटू डी एक्स। तो सिंपली मैंने u इंटू v का रूल अप्लाई किया इंटीग्रेशन का, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो पहले u लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ v लिखा dx, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx, तो ये dx ये वाले इंटीग्रेशन के लिए है और ये dx जो है ये वाले इंटीग्रेशन के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये जो पार्ट है इसका लास्ट में इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x, मालूम है आपको स्टैंडर्ड फार्मूला है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया sin x और ये माइनस इंटीग्रेशन, जैसे मैंने बोला कि ये इंटीग्रेशन लास्ट में इवैल्यूएट होगा। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मालूम है आपको डेरिवेटिव 2x होता है,
इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हो गया आपका ये साइन एक्स इंटू डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और ये माइनस है। अब देखो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स इंटू साइन एक्स तो ये डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा क्योंकि ये जो x है और ये इंटू साइन एक्स है अगेन दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो यहाँ पे एक बार फिर से u इंटू v रूल आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो अभी अगर आप लिएट लोगे ना तो लिएट में पहले अलजेब्रिक आएगा बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, सो ये जो पार्ट है वो आपका u रहेगा और ये जो पार्ट रहेगा वो v रहेगा। तो अगेन हम लोग जो है ना ये सेकेंड इंटीग्रल में u इंटू v रूल फिर से अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये माइनस साइन है यहाँ पे तो मैं ब्रैकेट में अप्लाई करता हूँ u इंटू v रूल बिकॉज बाहर माइनस है यहाँ पे, तो पहले हम लोग u लिखते हैं तो ये जाएगा 2x, इंटीग्रेशन आता है v दैट मीन्स साइन x इंटू डी एक्स आता है, फिर माइनस लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन d बाय डी एक्स ऑफ u लेते हैं तो 2x हो गया, देन इंटीग्रेशन v आता है मतलब साइन x इंटू डी एक्स आता है और फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है और यहाँ पे डी एक्स आता है दिस वे। तो मैंने माइनस साइन था तो मैंने माइनस को बाहर ही रखा, बिग ब्रैकेट लिया और यहाँ पे u इंटू वी का रूल अप्लाई किया इंटीग्रेशन का, u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v डी एक्स द होल डी एक्स। सॉल्व करते जाएंगे हम लोग इसको और आंसर आपको मिलते जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस से बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 2x इंटू अभी देखो यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन अपने को मालूम है साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, बट साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो होता है माइनस cos x, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x एंड दिस इज माइनस, ये इंटीग्रेशन लास्ट में इवेल्यूएट होगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x तो माइनस cos x आएगा इंटू डी एक्स, सो दिस आई कैन राइट I इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा साइन x, अभी चाहिए तो आप माइनस से ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस सो दिस बिकम प्लस और ये हो जाएगा 2x इंटू cos x हो जाएगा। देखो मैंने माइनस से ब्रैकेट को ओपन किया माइनस एंड माइनस बिकम प्लस 2x इंटू cos x एंड दिस माइनस बिकम हियर प्लस और ये हो जाएगा माइनस माइनस बिकम प्लस एंड दिस माइनस सो दिस विल बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 cos x इंटू डी एक्स। देखो मैंने क्या किया जस्ट मैंने ब्रैकेट ओपन किया है माइनस से तो माइनस माइनस बिकम प्लस तो ये हो जाएगा 2x इंटू cos x फिर दिस माइनस माइनस बिकम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू माइनस सो माइनस 2 cos x dx। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो आंसर आ जाएगा इसका तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो जाएगा दिस वन दिस इज प्लस 2x इंटू cos x हो जाएगा प्लस और ये माइनस तो माइनस 2 बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन का एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x पता है आपको cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x और यहाँ पे लिख देंगे प्लस c सो दिस इज द फाइनल आंसर मिल गया आपने को दिस इज द फाइनल आंसर सॉल्व हो गया सब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन x इंटू टू रेस टू माइनस थ्री एक्स डी एक्स ठीक है तो यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा u इंटू वी रूल सी तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि लिएट में क्या आता है l i a t e मैंने ये लिएट लिखा अब ये x देखो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये 2 रेस टू x का फंक्शन है तो 2 रेस टू x का फंक्शन है दैट मीन्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सो ये e हो गया बराबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी लिएट के ऑर्डर में पहले a आता है बाद में e आता है राइट लिएट का जो ऑर्डर है उसमें पहले a अल्फ़ाबेट आएगा बाद में e आएगा तो जो फर्स्ट आता है उसको u लेना है और जो बाद में आता है उसको v लेना है सो दिस इज u एंड दिस इज v सो देयरफॉर हम लोग अभी इंटीग्रेट कर देंगे I इक्वल टू फॉर्मूला अपने को मालूम है पहले u आता है दैट मीन्स x इंटू इंटीग्रेशन v आता है 2 रेस टू माइनस 3x dx आता है देन माइनस आएगा इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा u मतलब x हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v 2 रेस टू माइनस 3x इंटू डी एक्स और ए ब्रैकेट क्लोज होल डी एक्स तो सिंपली मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया जस्ट पहले u लिखा इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन v डी एक्स
ब्रैकेट क्लोज होल डी एक्स, सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा x इंटू, अभी देखो अपने को मालूम है a रेस टू x का इंटीग्रेशन पता है अपने को, a रेस टू x का इंटीग्रेशन होता है a रेस टू x अपॉन log a, तो 2 रेस टू माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रेस टू माइनस थ्री एक्स अपॉन log 2 हो जाएगा, बट ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, बिकॉज अगर 2 रेस टू x रहेगा तो 2 रेस टू x का इंटीग्रेशन 2 रेस टू x अपॉन log 2 होता है, बट ये 2 रेस टू माइनस थ्री एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो भी f ऑफ x रहता है उसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस थ्री एक्स, डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा और फिर ये माइनस एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मान ली में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है इनटू टू रेस टू माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन टू रेस टू माइनस थ्री एक्स अपॉन लॉग टू हो जाएगा और ये इनटू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस थ्री एक्स एंड दिस इज डी एक्स। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x इंटू टू रेस टू माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे log 2 हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस थ्री एक्स, तो माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव मालूम है आपको माइनस थ्री होता है, देन दिस इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू रेस टू माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाय यहाँ पे log 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस थ्री एक्स इज माइनस थ्री, तो यहाँ तक हम लोग ने सॉल्व किया और यहाँ पे dx रहेगा। अभी देखो ये टर्म्स में ना, ये जो इंटीग्रेशन है इसमें ये log 2 इंटू माइनस थ्री ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ये, सो दिस आई कैन राइट I इक्वल टू दिस माइनस थ्री आई कैन राइट हियर ऑल्सो, तो ये हो जाएगा x इंटू टू रेस टू माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय माइनस थ्री इंटू log 2, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री इंटू log 2 और ये माइनस और ये माइनस, सो दिस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पे जो है log 2 into 3 बाहर आएगा, सो दिस विल बी 1 अपॉन 3 into log 2, 3 into log 2 बाहर हो गया और यहाँ पे बच रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेस टू माइनस थ्री एक्स इंटू डी एक्स, ये बच रहा है आपका, तो मैंने ये माइनस प्लस हो गया log 2 into 3 मतलब 3 log 2 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेस टू माइनस थ्री एक्स इंटू डी एक्स बचा। अब एक स्टेप और है, आंसर आ जाएगा आपका x इंटू टू रेस टू माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय माइनस थ्री इंटू लॉग टू एज इट इज रहेगा एंड दिस इज प्लस 1 अपॉन 3 इंटू लॉग टू एज इट इज। अब 2 रेस टू माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो 2 रेस टू माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रेस टू माइनस थ्री एक्स अपॉन लॉग टू हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस थ्री एक्स, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस थ्री एक्स इज माइनस थ्री और ये प्लस सी। तो फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू टू रेस टू माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाय माइनस थ्री इंटू लॉग टू हो गया प्लस ये हो जाएगा टू रेस टू माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय ये माइनस थ्री और ये थ्री, इसको इंटू कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा माइनस नाइन इंटू ये log 2 इंटू log 2, तो log 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो प्लस सी। एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x इंटू टू रेस टू माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाय माइनस एज इट इज रहेगा 3 log 2 आई कैन राइट log ऑफ 2 रेस टू 3, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे जाके पावर में हो जाएगा, तो 2 रेस टू 3 मतलब 8 हो जाएगा ये एंड देन प्लस माइनस यू कैन राइट माइनस 2 रेस टू माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाय 9 इंटू log 2 द होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया दिस वे, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x इंटू साइन x, तो यहाँ पे भी देखो e रेस टू x x का फंक्शन है, साइन x x का फंक्शन है, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं u क्या है और इसमें v क्या है, तो पहले लिखते हैं l i a t e लिएट लेते हैं हम लोग। अभी e रेस टू x मालूम है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन x इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अभी लिएट के ऑर्डर में देखो पहले क्या आता है, लिएट के ऑर्डर में पहले टी आता है बाद में ई आता है, मतलब पहले ये साइन एक्स आएगा बाद में क्या आएगा ई रेस टू एक्स आएगा, तो जो फर्स्ट आएगा उसको यू लेंगे हम लोग, जो बाद में आएगा उसको वी लेंगे हम लोग, जो होगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिएट लेंगे, देखो लिएट में एल आई ए टी ई लिएट,
तो ई रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो लिएट के ऑर्डर में पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो जो पहले आएगा ऑर्डर में उसको यू लेना है अपने को। तो पहले टी आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको यू ले लिया, और ये एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है जिसको वी ले लिया हम लोगों ने। अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले यू आता है, दैट मीन्स साइन एक्स हो जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी आता है, ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स आता है, माइनस आएगा फिर इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू आएगा, दैट मीन्स साइन एक्स, एंड देन इंटीग्रेशन वी आता है ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स आएगा। तो जस्ट मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v dx द होल dx, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x इंटू e रेज टू x का इंटीग्रेशन, तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन अगेन d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो अपने को मालूम है साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ही आएगा डी एक्स, ये हो गया। सो दिस आई कैन राइट साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस, अभी देखो ये जो इंटीग्रल है अगेन यहाँ पे यू इंटू वी आ गया, फिर से यू इंटू वी मिल गया अपने को, तो अगेन ये कॉस एक्स आपका यू हो जाएगा और ई रेज टू एक्स वी हो जाएगा। सो ये माइनस साइन है, तो ब्रैकेट में अगेन हम लोग यू इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट वी विल राइट u, तो ये हो जाएगा cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v e रेज टू x इंटू डी एक्स, फिर माइनस करते हैं हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u, दैट मीन्स cos x इंटू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v e रेज टू x डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज द होल डी एक्स, दिस वे आता है, और यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट क्लोज कर दो दिस वे। So this I can write sin x into e raised to x minus bracket cos x as it is रहेगा integration of e raised to x, तो e raised to x का integration मालूम है अपने को e raised to x होता है minus integration of d by dx of cos x, तो cos x का derivative होता है minus sin x into integration of e raised to x, तो e raised to x का integration e raised to x into dx this way, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपका, दिस इज आई इक्वल टू, हाँ सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस से हम लोग ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, बट ठीक है बाद में ओपन करेंगे माइनस से ब्रैकेट, माइनस ऐसे रखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस इंटू माइनस, सो दिस बिकम प्लस, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स दिस वे। देखो एक बार यहाँ पे u इंटू वी हम लोगों ने यूज़ किया, देन अगेन यहाँ पे अपने को क्या मिला माइनस साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, अगेन यहाँ पे u इंटू वी रूल मिला, मतलब एक बार तो हमने यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज़ किया है, सेकेंड टाइम फिर से u इंटू वी रूल किया, अभी नेक्स्ट टाइम फिर से आ रहा है u इंटू वी रूल, तो मतलब रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या देखना है अपने को, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, क्वेश्चन रिपीट हो गया देखो यहाँ पे, मतलब हम लोग ने आई इक्वल टू क्या लिया था इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स, और सेम थिंग यहाँ पे मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, मतलब जब टू टाइम्स इंटीग्रेट किया तो अगेन क्वेश्चन इज रिपीटिंग, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे आई से, बिकॉज आई इक्वल टू ये अज्यूम किया था इंटीग्रल हम लोगों ने, सो एक्चुअली ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू दिस इज साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, और ये ब्रैकेट में है दिस इज कॉस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स ऐसी रहेगा प्लस, नाउ दिस वन इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग आई से, तो ये हो जाएगा प्लस आई, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, और यहाँ पे लिख दो प्लस सी, तो ये इंटीग्रेशन हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, सो दिस आई कैन राइट आई इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, सो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस आई, और ये प्लस सी, सो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे आई हो गया, और यहाँ पे ये माइनस आई है,
तो माइनस आई यहाँ पे आकर के ये प्लस आई हो जाएगा, तो प्लस आई इक्वल टू दिस इज साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस यहाँ पे कॉस एक्स बचा इंटू ई रेज टू एक्स एंड दिस इज प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो आई प्लस आई इज टू आई, तो टू आई इक्वल टू फर्स्ट टू टर्म्स ना, तो फर्स्ट टू टर्म्स आई कैन टेक ई रेज टू एक्स कॉमन, तो ई रेज टू एक्स कॉमन हो गया. यहाँ बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचेगा और ये प्लस सी. अपने को आई चाहिए, सो दिस आई इक्वल टू टू वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा. सो दिस आई कैन राइट ई रेज टू एक्स अपॉन टू ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस. अब ये टू जो है ये फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड होगा, सेकेंड टर्म को भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सी. तो आई कैन राइट हियर दिस आई इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन टू ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस हाफ इंटू सी. सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हाफ इंटू सी अगेन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस आई कैन राइट सी डैश. सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो ये सम सॉल्व हो गया दिस वे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो यहाँ पे लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही फंक्शन है, सिर्फ लॉग का फंक्शन है. तो एक रूल है यहाँ पे, अगर सिर्फ लॉग का फंक्शन दिया रहेगा या तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दिया रहेगा. ठीक है, अगर आपको लॉग का फंक्शन दिया है या तो सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, तो दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यू इंटू वी रूल से. दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा, बट v इक्वल टू वन लेना पड़ेगा अपने को. ठीक है, सो दिस आई विल राइट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन इंटू डी एक्स लेंगे. सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो u इंटू वी रूल से होगा, बट v विल बी ऑलवेज टेकन वन. वी विल बी ऑलवेज टेकन वन, तो वन लिया जाएगा यहाँ पे. सो दिस इज यू हो जाएगा एंड दिस इज वी. सॉल्व करते, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग. तो पहले यू लिखते हैं हम लोग, दैट इज लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी लिखेंगे वन डी एक्स, माइनस आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू आता है, दैट इज लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी आएगा दैट मीन्स वन डी एक्स आएगा एंड दिस ब्रैकेट क्लोज होल डी एक्स. तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx. सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1. तो अपने को मालूम है 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 मालूम है 1 का इंटीग्रेशन x होता है एंड दिस इज dx. सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू. अभी देखो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2x इंटू ये x तो है यहाँ पे इंटू डी एक्स. सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये 2 को बाहर ले सकते हैं हम लोग, तो या फिर 2 को बाहर ले लिया यहाँ पे दिया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. सो दिस टू वॉज कॉन्स्टेंट, टू कॉन्स्टेंट था इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और ये आपका हो गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. देखते हैं कैसे इंटीग्रेट होगा. सो दिस इज इक्वल टू ये x को यहाँ पहले भी लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, देन माइनस टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस वन माइनस वन से एडजस्ट कर देंगे न्यूमरेटर को. सो एडजस्ट द न्यूमरेटर बाय प्लस वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन राइट माइनस वन डिवाइड बाय ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अभी सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा, सेपरेट मीन्स ये फर्स्ट टू टर्म्स को ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग. सो दिस आई कैन राइट एक्स इंटू लॉग ऑफ
वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट dx। तो जस्ट मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, हाँ इसको स्प्लिट किया, फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू टाइम्स इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ बचता है वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये हो गया। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू, अब ये वन का इंटीग्रेशन चाहिए और इसका भी इंटीग्रेशन चाहिए, दोनों भी टर्म्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो वन का इंटीग्रेशन तो मालूम है अपने को, वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है स्टैंडर्ड फार्मूला, ये है tan इनवर्स x और ये हो जाएगा प्लस c। तो सम सॉल्व हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर, तो वी गॉट द आंसर दिस वे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x अपॉन x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x अपॉन x, तो डायरेक्ट तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम लोग कुछ, बट एक चीज़ है यहाँ पे, ये लॉग ऑफ लॉग x है, अगर मैंने लॉग x को t सब्सटीट्यूट किया, दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, अगर मैंने लॉग x को t पुट किया ना, तो ये लॉग t हो जाएगा और लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो जाएगा दिस वन। सो वी विल यूज़ द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, सो पुट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग log x इक्वल टू t। अपने को मालूम है इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ता है बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x और t का डेरिवेटिव होता है dt by dx। आप चाहिए ऐसा अपॉन वन लिख सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर देंगे हम लोग, सो देयरफॉर लिखेंगे अभी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो लॉग, दिस इज लॉग, लॉग एक्स को टी लिया था हम लोगों ने यहाँ पे, लॉग एक्स को टी दिया जाएगा लॉग टी, और देखो वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे डी टी। तो अभी ये जो इंटीग्रेशन आ गया ना, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन ओनली, और लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है u इंटू वी रूल से आएगा बाय टेकिंग v एज अ वन। सो दिस आई कैन राइट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज log t इंटू वन इंटू डी टी, ये वैसे सॉल्व होगा। सो दिस आई कैन टेक एज अ u एंड दिस आई कैन टेक एज अ v। तो इंटीग्रेट करेंगे फॉर्मूला यूज करके, तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहले u आता है फिर इंटीग्रेशन v आता है dt, माइनस आएगा इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dt ऑफ u आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v आएगा dt क्लोज ब्रैकेट इंटू dt दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका log t इंटू वन का इंटीग्रेशन मालूम है, वन का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये t हो जाएगा एंड दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, तो लॉग टी का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टी इंटू, और वन का इंटीग्रेशन होता है टी और ये हो गया डी टी, टी टी कैंसिल। सो दिस आई कैन राइट टी इंटू लॉग टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी बचा, सो दिस इज इक्वल टू टी इंटू लॉग टी माइनस वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी पता है आपको टी हो जाएगा और प्लस सी। सो अभी लास्ट में t का वैल्यू पुट करना है आपको, तो t का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे log x लिया था, तो ये हो जाएगा log x इंटू log ऑफ t का वैल्यू है log x एंड देन दिस इज माइनस t का वैल्यू है log x और ये प्लस c। सम सॉल्व हो गया, आपको चाहिए तो एक स्टेप और ले सकते हैं यहाँ पे, log x यू कैन टेक कॉमन, तो log x अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा log ऑफ log x माइनस वन एंड दिस इज प्लस सी, तो ये सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक में मैंने पूरा कवर किया था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोगों ने ये टॉपिक में पूरा कवर किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।